आज तो मेरा मौन व्रत था, आपने तो मेरी आंखों के इशारे से ही चैनल सब्सक्राइब कर दिया। हाँ जी, नमस्कार सभी को, कृषि वाट में आपको आपका स्वागत है। आज हम आपको पैरेट का डिजाइन बनाना बताएंगे। हम जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, हम पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं। हमारे सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि हमें दोबारा से पैरेट का डिजाइन बनाना बताएं। पहले आपने पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद हम इसे कलर से फिल करेंगे और डिजाइन बनाना बताएंगे। ये देखिए, हमने पैरेट कलर ही लिया है और हमने ऊपर वाली साइड से शुरू किया है, सर वाली साइड से पैरेट का डिजाइन। अब हम इसमें साइड वाली जो जगह है उसमें लाइट, थोड़ा सा लाइट कलर गोल्डन येलो फिल करेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से गोल्डन येलो और ग्रीन की शेडिंग करेंगे। बीच में हम जो बीच वाले पंख होते हैं उसमें डार्क ब्लू कलर और बीच में थोड़ा थोड़ा जो है पैरेट कलर, उसकी मिक्सिंग करेंगे। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने डार्क कलर ऊपर वाली साइड और लाइट कलर नीचे वाली साइड लिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसी तरह से ब्लू कलर और ग्रीन कलर की मिक्सिंग करेंगे और पैरेट के जो पंख हैं वो बनाएंगे। अगर आपका कपड़ा थोड़ा ज़्यादा कलर सोखता है तो आप उसमें थोड़ा सा कलर में पानी डाल सकते हैं, उसको पतला करके अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। जो भी है, अगर आपका जो कपड़ा है वो कलर ज़्यादा नहीं सोखता तो आप ज़्यादा पतला कलर ना लगाएं। इसी तरह हमने दूसरी साइड भी गोल्डन येलो कलर लगाकर और ऊपर वाली साइड पैरेट का कलर है जो होता है वो ही लगाया है हमने। अगर आप कोई और कलर लगाना चाहें तो आप और कलर से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। पूंछ में भी आप वही कलर यूज कर सकते हैं जो पैरेट के सर में किया है। जो नीचे वाला पार्ट है पूंछ का, उसमें आप थोड़ा सा गोल्डन कलर फिल कर सकते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा लाइट हम दिखा सके उसे। ध्यान रखें कि आपका जो कलर है वो बाहर की साइड नहीं निकलना चाहिए ड्रॉ किए हुए डिजाइन से। अब हम लाइट कलर लेके पैरेट वाला उसकी पंखों पर हल्की हल्की शेडिंग करेंगे। जैसे कि पंख होते हैं वो ब्लू कलर के बीच में से दिख रहे हैं ग्रीन कलर से, इसी तरह से हमने ऊपर वाली साइड भी थोड़ी थोड़ी मिक्सिंग करनी है हल्के हाथ से और गोल्डन कलर लेके जो पैरेट है उसके आगे वाली साइड, चोंच के आगे पीछे वाली साइड में गोल्डन कलर लगाना है और पैरेट के सिर के ऊपर भी हमने गोल्डन कलर लगाना है। अगर आपका कलर थोड़ा सूख जाए तो आप थोड़ा सा हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं उसको मिक्सिंग करने के लिए, या फिर दूसरा कलर भी लगा सकते हैं। और पेंटिंग करते समय आपका पंखा या तो बिल्कुल स्लो होना चाहिए या फिर बंद ही होना चाहिए, क्योंकि कलर में जो हम फिल करते हैं उसमें अगर हमने शेडिंग देनी हो फ्लावर में या किसी भी चीज में तो वो पंखे से सूख जाता है कलर और फिर उसकी शेडिंग नहीं होती। जैसे हमने पैरेट की कलंगी बनाई है, आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। हल्का लाइट कलर लेके नीचे वाली साइड जो कलंगी की
सिर के ऊपर वाली साइड है उसमें हमने गोल्डन कलर लिया है और उसकी रेड के साथ मिक्सिंग की है। अगर आप कलंगी नहीं भी बनाना चाहते तो आप जैसे हम हमारे इंडिया में पैरट होते हैं वैसे भी आप इसको बिना कलंगी के भी बना सकते हैं, पर हमें कलंगी अच्छी लगी तो हमने बना दी। और चोंच में भी हमने रेड कलर और गोल्डन येलो कलर है जो उसकी थोड़ी सी टच दी है ऊपर वाली साइड, ताकि वो हम चोंच उसको आगे से लाइट दिखा सके। और इसी तरह से हमने नीचे वाली चोंच है जो वो केवल रेड कलर से ही बनानी है, ताकि वो नीचे वाली साइड डार्क होती है और ऊपर वाली साइड का उस पे अंधेरा भी पड़ता है, इसलिए वो डार्क दिखाई देती है। इसी तरह से हमने उसकी चोंच को अच्छी तरह से उसमें कलर फिल कर देना है। अब हम आपको इसकी पैरट की आंख बनाना बताएंगे। आंख में हमने ब्लैक कलर लिया है और ब्लैक के साथ हमने जो पैरट का कलर होता है ग्रीन, उसमें हमने ब्लैक कलर जो है हल्का सा टच कर लिया है, ताकि उसकी जो आंख की आसपास की शेडिंग है वो अच्छी तरह से हो सके। अब हम आसपास का जो ऊपर और नीचे वाला एरिया है आंख का, उसमें लाइट कलर ग्रीन कलर लगा के उसकी हल्के हाथों से शेडिंग कर देंगे, ताकि वो आंख का जो आसपास का एरिया है वो हमें थोड़ा सा डार्क दिखाई दे सके। बीच में हमने व्हाइट कलर कर दिया है और इसके व्हाइट के आसपास हमने ब्लैक कलर का राउंड जो है उसका आंख का बनाना है। इसी तरह से हमने ब्लैक कलर कर दिया है और इसके बाद हमने इसमें इसकी आंख के ब्लैक कलर कर दिया है अंदर वाली साइड में। इसकी आंख प्रॉपर बन गई है। अब हमने जो नीचे वाली साइड इसकी पोंछ की ऊपर वाली साइड पंख थे वो हमने थोड़े से डार्क कर देने हैं, ताकि ऊपर पंखों वाली जो है जगह के नीचे जो पंख होते हैं पैरट के, वो भी इसमें थोड़े से जो पंखों वाली जगह है उसके साथ मिक्स हो सके। अब हमने इसमें वाइट कलर की शेडिंग कर देनी है, जैसे कि अगर आप नहीं अच्छी लगती आपको तो आप इसको ना भी कर करें तो तभी भी चली जाएगा। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी इसकी शेडिंग कर देनी है। अब हम आपको इसकी जो पैरट की गले में जो गानी होती है वो बनाना बताएंगे। वो भी हमने रेड कलर से ही बनानी है। इसी के साथ जो टहनी पर वो बैठा है पैरट, उसमें हमने टहनी वाइट और ब्राउन कलर से बना के उसमें थोड़ी सी पत्तियां बनाई हैं। पत्तियां हमने सिंपल ही कलर से बनाई हैं, जैसे सैप ग्रीन और वाइट लेके सिंपल पत्तियां ही बनाई हैं। इसी तरह से आप आसानी से पत्तियां बना सकते हैं, दूसरी तरफ भी इसी तरह से बना सकते हैं। और बीच में हमने इसके रेशे बनाए हैं। अगर आप इसमें चाहें तो फूल भी बना सकते हैं पत्तियों के साथ। इसी तरह हमने व्हाइट और ब्राउन कलर लेके दूसरी साइड भी जो टहनी है वो बना देनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।